breaking news. श्री रामलीला सभा बमनपुरी स्थित एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया प्रभारी इंद्रदेव त्रिवेदी ने बताया कि हर साल की तरह मेला का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। वहीं श्री रामलीला सभा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत बेटियों को आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं विवाह के लिए सहायता करेगी। अध्यक्ष अतुल इंद्रदेव त्रिवेदी, मैं मीडिया प्रभारी हूँ यहाँ पर जी। और रामलीला सभा के हमारे सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोगों ने इस साल की ये रामलीला दिनांक 4 मार्च से प्रारंभ करने का निश्चय किया है और 21 मार्च तक लगातार 18 दिन तक हमारी ये रामलीला यहाँ पर संपादित होगी। ये लीला का 160वां वर्ष है। ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय बात है कि 160 साल से लगातार हमारी रामलीला यहाँ पर चल रही है। अब की इस बार की रामलीला की जो हमारी थीम रखी गई है वो अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर को समर्पित है। तो हम लोग बराबर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अयोध्या में जो मंदिर बनने वाला है वो हमारा निर्विघ्न और अच्छे रूप में भव्य रूप में बने। ये बराबर 4 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। हमारी रामलीला सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये भी निश्चय किया है कि पड़ोस में बिल्कुल आगे थोड़ी एक जगह है, हम लोग को मिल गई है, वहाँ पर एक भव्य हनुमान जी का मंदिर हम लोग वहाँ बनाने का निश्चय कर रहे हैं और वो मंदिर जो है यथाशीघ्र हो सकता है कि इसी साल में पूरा हो जाए और उसमें करीब 10 लाख रुपए खर्च करने की हम लोगों की योजना है रामलीला सभा की। तो वो जन सहयोग के माध्यम से हमारा भव्य हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित होगा। हम लोगों ने गत वर्ष भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया था और 2 कन्याओं की हम लोगों ने उसमें मदद की थी। इस बार भी कोई 2 नई कन्याओं की मदद हम लोग यहाँ पर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जो वास्तव में गरीब होंगी और जिनको शिक्षा की या स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी। ये हमारी 160वां वार्षिक उत्सव है रामलीला का और इसकी विशेषता ये है कि ये होली पे पूरे विश्व में सिर्फ यहीं पर मनाई जाती है और इसमें आपसी भाईचारे का हम लोग संदेश देते हैं। ये इसकी बहुत विशेषता है। ये होली पर आपको रामलीला जो है वो मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में, हिंदुस्तान में तो कहीं और होती है। अरे एशिया में प्रसिद्ध रामलीला। ये कहाँ से कलाकार आएंगे? ये अयोध्या फैजाबाद से ही कलाकार आएंगे और इसका मकसद यही है कि आपस में भाईचारा कायम करें, एक समुदाय का संदेश देना चाहते हैं। ये एक 160वां इस बार उत्सव है रामलीला का